सभी, मैं आपका दोस्त दिनेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए टोनी मॉरिसन का नोबल लेक्चर जो है हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। दोस्तों, YouTube पर कोई भी वीडियो नहीं है, तो मैंने सोचा, कई बच्चों के मेरे पास कमेंट आए कि सर आप इसकी समरी को थोड़ा बता दीजिए। तो दोस्तों, लो आपके लिए मैं ये समरी जो है अपलोड कर रहा हूँ। और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, टोनी मॉरिसन जो है ये जो पहली जो है वो ब्लैक महिला थी जिनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है इसकी और देखते हैं इसमें क्या होता है। और लेट्स सी, लेट्स बिगिन। टोनी मॉरिसन्स नोबेल प्राइज़ लेक्चर बिगेंस विद द मॉरिसन स्पीकिंग इन द फर्स्ट पर्सन अबाउट ए स्टोरी फ्रॉम एनी कल्चर फोकलोरिस अबाउट एन ओल्ड वाइज वुमेन। तो दोस्तों, ये जो स्पीच है, जब ये जो टोनी मॉरिसन दे रहे हैं, ये खुद जो है वो स्पीच दे रहे हैं। और ये मतलब किसके बारे में बात करते हैं, एक बूढ़ी महिला के बारे में बात करते हैं जो कि बूढ़ी तो है लेकिन वो क्या है, वाइज है। मॉरिसन शेयर्स दैट इन द वर्जन सी नोज द स्टोरी इज़ अबाउट एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन द डॉटर ऑफ स्लेव्स। तो ये जो स्टोरी है दोस्तों, ये किसके बारे में है, ये बताती है कि मतलब मैं जो स्टोरी बताने जा रही हूँ वो एक अफ्रीकन महिला के बारे में है जो कि मतलब दोस्तों काली है और जिन वो किसकी बेटी है, वो स्लेव्स मतलब दास की बेटी है। देन सी लॉन्चेज स्ट्रेट इन टू द फेबल, और फिर वो कहानी में चली जाती है दोस्तों, विच सेंटर्स ऑन द कन्वर्सेशन बिटवीन दिस ओल्ड वुमन एंड ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। तो दोस्तों, होता क्या है शुरुआत में कि एक बूढ़ी महिला है, फिर वो क्या करती है, एक बूढ़ी महिला क्या बताती है दोस्तों, वो विजडम के लिए जानी जाती है, अपने आस पड़ोस में भी जानी जाती है और दूर दूर तक जानी जाती है। तो दोस्तों, एक जो यंग पीपल है इनका एक ग्रुप जो है लेडी के पास आता है और आके कुछ बेहुदा से सवाल उनसे पूछता है। वो क्या क्या सवाल पूछते हैं और वो ये कन्वर्सेशन जो है दोस्तों इसमें बताई गई है पूरे के पूरे स्पीच में। द यंगस्टर हैव कम टू मीट टू मेक ए मॉकरी ऑफ द वुमन इवन दो सी इज़ वेल रिस्पेक्टेड बाय द मैनी फॉर हर विजडम। तो दोस्तों, ये जो महिला है ये उन यंगस्टर्स के द्वारा मजाक करने के लिए, या फिर वो यंगस्टर जो है इस महिला के पास मजाक करने के लिए आते हैं, उनकी उनकी बुद्धिमत्ता का मजाक करने के लिए आते हैं, उनको झूठा दिखावा करने के लिए, प्रूफ करने के लिए आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ क्या है, ये वेल रिस्पेक्टेड है। दे आस्क हर वन क्वेश्चन, और वो क्या करते हैं, वो जो यंगस्टर्स जो आते हैं महिला के पास, वो उनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, इफ़ द वर्ड दे होल्ड इन दियर हैंड्स इज़ अ लिविंग और डेड। तो उनमें से एक जना क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि भाई मेरे हाथ में जो पक्षी है वो जिंदा है या मृत है। तो वो लेडी क्या करती है, कोई भी जवाब नहीं देती है। फिर वो दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि भाई हमारे जो हाथ में ये जो पक्षी है वो जिंदा या मृत है। तो फिर भी वो लेडी जवाब नहीं देती, तो वो तीनों के तीनों क्या करने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं। द ओल्ड वुमन इज़ ब्लाइंड, सी रेस्पॉन्डेड विद द रिडल then either way it is in their hands। तो जो महिला दोस्तों वो क्या करती है, एक पहले के रूप में जवाब देती है कि भाई तुम्हारे हाथ में कोई पक्षी है ये तो मैं देख नहीं सकती क्योंकि मैं तो अंधी हूँ। फिर वो कहती है कि अगर ये जिंदा भी है तो हो सकता है कि तुमने इसे पकड़ा होगा जिंदा, या फिर हो सकता है कि ये मरा हुआ है तो तुम लोगों ने इसे मारा होगा। फिर ये कहती है कि भाई हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर चीज़ के कितने पहलू होते हैं, दो पहलू होते हैं जिनसे अपन क्या कर सकते हैं। फिर एक जो लंबी कन्वर्सेशन होती है दोस्तों, यहाँ पर जो राइटर है वो जो पक्षी है, जो बर्ड है दोस्तों, उसको एक भाषा के रूप में, लैंग्वेज के रूप में काम में लेना स्टार्ट कर देता है, और उस महिला को क्या है, एक अच्छा वेल लिंग्विस्टिक के रूप में काम में लेना स्टार्ट कर देता है। फिर ये आगे कहता है, हाँ, द ओल्ड वुमेन इज़ ब्लाइंड सी रिस्पॉन्डेड विद द रीडल दैट ईदर वे। अब वो क्या करती है, वो जो लेडी है वो उनको एक मतलब पहेली के रूप में उनको जवाब देती है, इट इज़ इन दियर हैंड। आफ्टर दिस सी क्लोजेज हर माउथ एंड लॉन्चेज इन टू ए लॉन्ग रिवेरिया। और उसके बाद क्या होती है कि वो ऐसा बोलती है, हाँ ये तुम्हारे हाथों में है, ये मृत भी हो सकता है, जीवित भी हो सकता है। तो फिर वो चुप हो जाती है। Which Mauritian narrates, ऐसा Mauritian कहते हैं, she thinks about the bird
अब वो सोचती है बर्ड के बारे में, अ सिंबल ऑफ अ लैंग्वेज, और वो बर्ड के बारे में क्या क्या सोचती है कि बर्ड जो है ये मतलब तुच्छ प्राणी है, तो अपन ये क्या करती है उसको बर्ड को अ सिंबल ऑफ लैंग्वेज काम में लेती है। हर थॉट्स सेंटर ऑन द पावर ऑफ लैंग्वेज फॉर गुड और फॉर बैड। अब हर थॉट सेंटर ऑन पावर, और वो पावर उनके जो थॉट है, उनके जो विचार है वो क्या है, वो पावर पे, वो शक्ति पर दोस्तों बल देते हैं, ऑफ ए लैंग्वेज, एक भाषा की शक्ति पर बल देते हैं। फॉर गुड और फॉर बैड, जो अच्छे के लिए होता है और बुरों के लिए, बुरे के लिए होता है। इवेंचुअली द चिल्ड्रन बिकम फ्रस्ट्रेटेड विद हर पिथी आंसर एंड हर लॉन्ग साइलेंस। और जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो युवा होते हैं, वो उनके आंसर से, उस लेडी के आंसर से क्या हो जाते हैं, इरीटेट हो जाते हैं, और उसकी लंबी चुप्पी से भी इरीटेट हो जाते हैं। एंड लॉन्च इन टू ए सोलिलोक्वी ऑफ देयर ओन, फिर वो कुछ जो है स्टोरी बताने लग जाते हैं। दे इम्प्लोर द ओल्ड वुमन फॉर ए नरेटिव टू गाइड देम, और वो जो लोग हैं वो उस महिला से कहते हैं गाइड करने के लिए। दे टू नो द पावर ऑफ लैंग्वेज, कि वो भी वही क्या है, भाषा के पावर को अच्छे तरीके से जानते हैं। इल्यूस्ट्रेटिंग दियर पॉइंट्स विथ स्टोरी अबाउट ए वैगन ऑफ स्लेव्स, अब वो क्या करते हैं, एक स्टोरी सुनाते हैं उस महिला को। When they finish speaking, जब वह बोलना चुप हो जाते हैं, the old woman responds, और तो जो बूढ़ी महिला है वो जवाब देती है, that she trusts them at last because now it is clear that they understand the power of language। तो वो लास्ट में महिला कहती है कि भाई अब मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ, क्योंकि तुम्हें भी जो है एक लैंग्वेज के पावर, लैंग्वेज का पावर जो है आप लोगों को पता है। तो दोस्तों दोबारा सुनना, दो मिनट में अच्छे तरीके से समझाता हूँ आपको, कि एक बूढ़ी महिला होती है, वो एक गांव में रहती है, वो काली होती है और वो अमेरिकन होती है। तो क्या होती क्या होता है दोस्तों, कि वह अपनी विजडम के लिए आसपास में और दूर दराज के इलाकों में अच्छे तरीके से जानी जाती है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं, जो कोई बुद्धिमान होता है उसे झूठा प्रूफ करने के लिए मतलब नए नए षड्यंत्र रचते रहते हैं। तो उसी तरीके से तीन युवा जो है दोस्तों उनके पास जाते हैं, और जाकर वो उनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। क्या क्वेश्चन पूछते हैं, अब महिला तो अंधी है और फिर भी वो ऐसा मतलब बेहुदा सवाल पूछते हैं कि हमारे हाथ में जो पक्षी है वो मरा हुआ है या जीवित है, हमारे हाथ में जो पक्षी है वो मरा हुआ है या जीवित है। तो वो महिला चुप रहती है, वो कुछ भी जवाब नहीं देती। फिर वो दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि भाई हमारे हाथ में जो बर्ड है वो जीवित है वो या मरा हुआ है, फिर वो महिला कोई जवाब नहीं देती। और तीसरी बार जब वो क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हमारे हाथ में जो पक्षी है वो मरा हुआ है या जीवित है, तो वो महिला जवाब देती है कि भाई तुम्हारे हाथ में जो पक्षी है ना वो मैं देख ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो अंधी हूँ और मैं मेरे विजिटर्स को नहीं देख सकती। तो ये बात उन लोगों को मजाकिया लगती है और वो हंसने लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वो महिला कहती है कि भाई तुम लोग जो है पावर जो है दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक तो अच्छे के लिए और एक बुरे के लिए। कि तुमने क्या किया है, कि तुमने तुम्हारे उद्देश्य को पाने के लिए या तो इस पक्षी को मार दिया है, तुमने क्या कर दिया है, इस पक्षी को मार दिया, मतलब तुमने अपना टारगेट प्राप्त करने के लिए क्या किया है, इस बर्ड का सहारा लिया है। उसके बाद जो है दोस्तों ये जो राइटर है ये बर्ड को एक लैंग्वेज का सिंबल समझती है, और उस बूढ़ी महिला को एक लिंग्विस्टिक समझती है। उसके बाद दोस्तों वो उनको कहानी सुनाती है, और फिर वो तीनों लोग हैं वो भी इनको कहानी सुनाते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होती है दोस्तों, कन्वर्सेशन होती है, और लास्ट में वो महिला कहती कि हाँ भाई तुम्हारे हाथ में जो पक्षी है वो जीवित है, और क्या है दोस्तों कि अब वो तुम पर विश्वास कर सकती है। क्यों कर सकती है दोस्तों, क्योंकि उन लोगों को भी भाषा के बारे में पता है। तो दोस्तों कहने का मतलब है, ये जो 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 लेक्चर था, ये जो नोबल लेक्चर है जो कि टोनी मॉरिसन ने दिया था, तो इसमें क्या बताया गया है दोस्तों, इसमें द राइटर टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ ए लैंग्वेज। तो राइटर किसके बारे में बात करते हैं, लैंग्वेज के पावर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों उम्मीद करूँगा दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको कुछ और भी समझना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।